एन एफ रेलवे एम्प्लॉज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी एवं एन एफ आई आर का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मुनीन सैकिया जी ने एन एफ आई आर का कमिटेड डिमांड ओपीएस रिस्टोरेशन के लिए और 24 अगस्त 2024 का परिणाम यूपीएस भारत सरकार का अनाउंसमेंट संबंधित इश्यू पे आज एन एफ आई आर से क्लैरिफिकेशन के लिए इंटरेक्ट किया। मैं एन एफ रेलवे एम्प्लॉज यूनियन का कंसेप्ट को मानता हूँ। एन एफ आई आर का कमिटेड स्टैंड है ओपीएस बेनिफिट्स 100% मिलना चाहिए। ये एनपीएस में परिवर्तन लाना पड़ेगा। एनपीएस को अमेंडमेंट कराने के लिए हम डिमांड किया। हमारा मेन पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटरी जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉन कंट्रीब्यूटरी कंसेप्ट लाने के लिए हम सजेशन दिया भारत सरकार को। यूपीएस नॉट सेलेबल, यूपीएस यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम ने है, इसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। ओपीएस बेनिफिट्स का इक्वल देने से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे, ये बात हम बोले। और दो रेल मंत्री का जो प्रपोजल थी रेलवे के वर्किंग के बारे में और यूनिकनेस के बारे में कम। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो यूनियंस के लीडर के ऊपर। यहाँ दोस्तों और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओपीएस पर पूरा बात होने वाला है, पेंशन पर पूरा बात होने वाला है। यहाँ दोस्तों यानी एनएफआईआर के जो नेता है डॉक्टर एम रघु भैया जी हैं और दूसरा नेता आपको पता होगा एआईआरएफ का जो नेता है शिव गोपाल मिश्रा जी। हाँ दोस्तों, अभी इलेक्शन ट्रेड यूनियंस का चुनाव है और दोनों ने कदम टाल ठोक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ट्रेड यूनियन का चुनाव है, दोनों ने अपने अपने तरीके से ओपीएस की मांग कर रखी है सरकार से। जी हाँ दोस्तों, सरकार से जबरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है। आपको पता होगा पहले से कि यूपीएस पर जो ट्रेड यूनियंस के जो भी लीडर्स थे, जेसीएम के जो अध्यक्ष थे और सारे लोगों ने साइन किए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी जैसे जैसे ट्रेड यूनियंस का इलेक्शन का डेट आता जा रहा, आपको पता होगा इलेक्शन का डेट 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर को रखा गया है पूरे देश भर में। जी हाँ दोस्तों, यानी ट्रेड यूनियन रिकोजिशन का इलेक्शन होने वाला है, तो दोनों ने कदम ताल ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से सरकार के ऊपर हावी हो चुके हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि साइन हुआ है यूपीएस पर, आपको पता होगा, लेकिन उनका कहना है कि यूपीएस में हूबहू पुरानी पेंशन की आत्मा डाल दी जाएगी। और दोनों यूनियन का कहना है, एआईआरएफ भी बोल रहा है और एनएफआईआर भी बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज दोनों यूनियन सिर्फ ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार से जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ा जा रहा है और दोनों ने एक ही मांग रखी है, ओपीएस कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। आपको पता होगा कि ओपीएस नॉन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था जबकि एनपीएस और यूपीएस कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था। आपको पता होगा कि 10% हर एक सरकारी कर्मचारी का कटता है और लड़ाई इसी बात का है कि ये जो 10% कटता है इसको ब्याज सहित सरकार को देना पड़ेगा। सोचिए, सबसे बड़ी लड़ाई इसी पर आकर अटकी हुई है। यूपीएस में ओपीएस का आत्मा तो डाल दिया जाएगा, वो सारी चीजें होगी क्योंकि लड़ाई जबरदस्त तरीके से होगी और दोनों यूनियन ओपीएस के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। साइन भले कुछ भी हो गया हो वो अलग बात है, लेकिन अब जो लड़ाई है कि ये जो लड़ी जाएगी पूरी तरीके से ओपीएस के लिए लड़ी जाएगी, पेंशन के लिए लड़ी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन ट्रेड यूनियंस का चुनाव है और सारा कर्मचारी सिर्फ ओपीएस मांगते हैं। आपको पता होगा ओपीएस के लिए 20 साल लड़ाई लड़ा गया, 21 साल लड़ाई लड़ा गया, क्योंकि 2004 के बाद जितने भी एनपीएसधारी कर्मचारी हैं कोई भी खुश नहीं है। तो 21 साल लड़ाई लड़ा जा रहा है और जब सरकार इस बात में यूपीएस लेकर आई उसके बाद जबरदस्त आक्रोश आ गया। और जब ट्रेड यूनियंस का चुनाव है तो दोनों यूनियन जो रिकॉग्नाइज यूनियन है उनका चुनाव हो रहा है और दोनों यूनियन ने ओपीएस मुद्दा लेकर जबरदस्त तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ओपीएस अंतिम फैसला है सरकारी कर्मचारी का, अंतिम मांग है सरकारी कर्मचारी का, मान सम्मान है, आपको पता होगा बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। तो ओपीएस के सिवाय सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं
वो भले कुछ भी मान लिए हो, लेकिन जो नीचे तबके के जितने लीडर्स हैं, जितने कर्मचारी हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम ईपीएस लेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल पॉपुलर स्कीम बता रहे हैं दोनों यूनियन लीडर्स, खास करके एनएफआईआर के जो महामंत्री हैं डॉक्टर एम रघु भैया, यूनिवर्सल पॉपुलर स्कीम इसको बता रहे हैं, यानी ओपीएस की सारी चीजें इसमें डाली जाएगी। सेम चीज शिव गोपाल मिश्रा ने भी बोल रखा है, यानी दोनों यूनियंस के जो टॉप लीडर्स हैं, एआईआरएफ के जो टॉप लीडर्स हैं शिव गोपाल मिश्रा और एनएफआईआर का टॉप लीडर्स हैं डॉक्टर एम रघु भैया, दोनों ने इस बात के लिए जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट के मूड में आ गई है कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, हमें यूपीएस में ही ओपीएस का सारा चीज चाहिए, 10% कंट्रीब्यूशन का मामला को खत्म किया जाए, ब्याज सहित वापस किया जाए, और उम्र सीमा जो 25 साल यूपीएस में रखा गया है उसको 20 साल किया जाए। आपको पता होगा यूपीएस जब लागू हुआ था तो अर्धसैनिक बल इससे बाहर हो गया था, क्योंकि अर्धसैनिक बल जो जितने भी देश में हैं हम उसको बहुत सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करने का कारण भी है कि विषम परिस्थितियों में वो लोग नौकरी करते हैं और अपनी जवानी 20-22 साल में गला देते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उनको ओपीएस क्यों नहीं। और सेम बात विजय बंधु भी बोलते हैं, विजय बंधु एनएम ओपीएस के जो नेता हैं, अटेबा के जो अध्यक्ष हैं, उनका लड़ाई सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन को लेकर है, और आज एक ही मंच पर एक ही मुद्दा पर सारे लोग आ गए हैं, सारे लोग जो भी साइन किए हों, बहुत सारे यूनियंस लीडर ने साइन कर दिए यूपीएस पे, लेकिन जो नीचे तबका का जितना कर्मचारी है कोई मानने को तैयार नहीं है, और माने भी क्यों नहीं, क्यों मानेगा, क्योंकि उसके खिलाफ ये साजिश कर रही सरकार। तो आप सोचिए, सिर्फ ओपीएस मुद्दा बनकर रह गया है, और ओपीएस के लिए ही ये ट्रेड यूनियंस का चुनाव भी चल रहा है, और ओपीएस के ऊपर ही ये चल रहा है। सरकार का भी आप देखे होंगे, जो आम लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, वो सब में पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा बनते नजर आ रहा है आजकल, पहले नहीं बनता था क्योंकि जनसंख्या बल कम थी, आज मास हो गया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का मास है, उसी तरह से पेंशन के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है, खड़ा हो गया है, और वो ओपीएस ही चाहता है, ओपीएस के सिवाय कुछ नहीं चाहता। यही कारण है कि बड़े लीडर्स अब ओपीएस पर आ गए हैं, यानी मेन लाइन पर ट्रेन चलना शुरू कर दी है, पहले लूप लाइन में चल रही थी, अब मेन लाइन पर चलना शुरू कर दी है। आप खुद सोचिए, जो यूपीएस पर साइन किए एक भी कर्मचारी, एक भी टॉप लीडर से बताइए, कोई भी यूपीएस ले रहे हैं क्या, सारे के सारे ओपीएस ले रहे हैं, तो अब उनको भी मानना पड़ा कि नहीं, ओपीएस ही चाहिए सारे सरकारी कर्मचारी को। इसीलिए यूपीएस नाम कुछ भी हो, सरकारी कर्मचारी को ओपीएस का आत्मा डालना पड़ेगा, और ओपीएस का आत्मा कहता है नॉन कंट्रीब्यूटरी। आपको पता होगा यूपीएस एनपीएस में 10% काट लिया जाता सरकारी कर्मचारी का, सरकार भले 14% एनपीएस में दे दे, यूपीएस में 18.5% दे दे, लेकिन सरकारी कर्मचारी का 10% कट रहा है, और इसीलिए वो जीपीएफ के तौर पर पूरा ब्याज सहित वापस चाहता है। आपको पता होगा बीआरएस लेने पर यूपीएस में इतना खराब नियम सरकार ने बनाया है जिसका कुछ वर्णन नहीं है, डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला यही है कि जब आप बीआरएस लेंगे, जब उम्र आप 60 वर्ष जब तक नहीं पूरेगा, जब तक आपको कोई पेंशन नहीं देगा। ये कितना बड़ा गड्ढा है इसमें, और इस बात को सभी लोग जानते हैं, और सैनिक बल इससे बाहर हो गए हैं, तो आप सोचिए एनपीएस से भी बदतर स्थिति में यूपीएस जी रहा है। सिर्फ 5 पॉइंट पे यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आना बाकी है, आने पर पूरा क्लियर हो जाएगा, टैक्स का सारा चीज उसमें पता चलेगा, और ट्रेड यूनियंस का जो चुनाव होगा उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ओपीएस नहीं है, ओपीएस के अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। रनिंग अलाउंस आपको पता होगा, जिनको टीए मिलता है, जो ड्राइवर साहब जो ट्रेन चलाते हैं, रेलवे के बात में बोल रहा हूँ, आपको पता होगा देश भर में 13 लाख रेलवे कर्मचारी है, 34 लाख केंद्रीय कर्मचारी है डिफेंस और अकाउंट्स और सारे चीज लेकर, और अगर एनपीएस कर्मचारी की बात की जाए तो 91 लाख कर्मचारी है। तो सभी एक ही मांग है, सबका एक मांग है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। आप सोचिए इतना बड़ा
जो मास है टोटल के टोटल उनके उनका परिवार भी जोड़ लीजिए, तो ये टोटल दबाव सरकार के ऊपर जा रहा है सीधा सीधी, और यही दबाव ट्रेड यूनियंस के इलेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्शन में भी यही बात निकल कर आ रहा है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स, या एआरएफ के लीडर्स हों, एनएफआईआर के लीडर्स हों, सिर्फ ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, और ओपीएस डिमांड भी रखे हैं 100% लागू करने की बात एम रघुवैया भी कर रहे हैं, 10% कंट्रीब्यूशन वापस देने की बात कर रहे हैं, 25 साल को 20 साल करने की बात कर रहे हैं, वीआरएस से ही पेंशन शुरू करने की बात कर रहे हैं, रनिंग अलाउंस में जो टीए मिलता था ड्राइवर साहब को उसके ऊपर टैक्स नहीं लेने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे चीजें हैं, आपको पता होगा रेलवे स्टेशन अभी बहुत जगह बन रहा है, बहुत जगह एक्सपेंशन हो रहा है, भर्तियां कहाँ हैं, सरकार भर्ती नहीं ले रही है, उसके खिलाफ भी इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सारे कर्म जो यूनियंस के लीडर्स हैं, जो बेसिक नीड्स है सरकारी कर्मचारी को, उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा बना हुआ है ओपीएस, चाहे तो शिव गोपाल मिश्रा के सामने हो, चाहे तो डॉक्टर एम रघुवैया के सामने हो, सरकार के मांग बहुत चीज है, सरकार से बहुत चीज ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन होता ये है कि इनका एक बैठक भी करना है, बैठक का डेट तारीख सब कुछ तय होता है और वो कैंसिल हो जाता है, तो ये सब चीज़ें सरकार इनके साथ लुका छुपी के काम करते रहती है। लेकिन आपको बता दें रघुवैया जिस हिसाब से चल रहे हैं, रघुवैया का कहना है कि लास्ट दिसंबर तक सरकार के साथ ये बैठक होगा यूनियंस लीडर्स के साथ, तो सारे एजेंडा पर बात होगा, लेकिन जो टॉप मोस्ट एजेंडा होगा वो पेंशन होगा, ओपीएस होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर यूपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन वापस कर दिया जाए, 25 साल के जगह पर 20 साल कर दिए जाए, तो यूपीएस तो ओपीएस बन जाता, और दूसरा तरफ आपका एज जिस तरह से बढ़ता है, मान लीजिए आपने 80 वर्ष हुआ तो पेंशन 30% बढ़ जाता, वो अनुपातिक पेंशन बढ़ जाए, ये दोनों यूनियन मांग रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा ने भी सेम मांग रखी है, और यहाँ पर जो डॉक्टर एम रघुवैया हैं एनएफआईआर के जो नेता हैं वो भी सेम जीएस जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी सेम मांग रख रहे हैं, तो दोनों चीज़ें एक ही ट्रैक पर चल रही है अभी फिलहाल। हाँ, सोच विचार थोड़ा अलग है, ट्रेड यूनियंस का अपना अपना विचार है, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पर सब एक हैं, और इसीलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। भरे इल्जाम कुछ भी लग रहा होगा कि शिव गोपाल मिश्रा ने साइन कर दिया क्योंकि उनके उन्हीं के नाम के लेटर आए हों, लेकिन आप देखिए सारे यूनियंस के लीडर तो वहां साइन किए हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आज सारे यूनियंस के लीडर फिर से ओपीएस मांगने लगे हैं, तो आप जान ही रहे कारण क्या है, होना भी चाहिए, सरकारी कर्मचारी को ओपीएस मिलना भी चाहिए, और खास करके अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में वो काम करते हैं, विषम जगह पर काम करते हैं, माइनस टेम्परेचर पर काम करते हैं, प्लस टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। आप देखेंगे कच्छ के इलाका में दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम होता, जम्मू कश्मीर का इलाका देख लीजिए, हमारा सिक्किम का इलाका देख लीजिए, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर नौकरी करना काफ़ी कठिन होता, परिवार से दूर रहकर वो लोग नौकरी करते हैं, तो 20-22 साल में उनका जो जितना जवानी है वो गल जाता है इसमें, तो उनको ओपीएस सबसे पहले मिलना चाहिए। बाकी सरकारी कर्मचारी करें उनको भी ओपीएस मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी देश की सेवा करते हैं, और वो 1 साल नहीं 30 साल 33 साल नौकरी करते हैं, तो उनके बदले में सरकार को दायित्व बनता है कि उनको पेंशन दे, और यहाँ पर सरकार हमारी पेंशन पर ही कटौती कर रही है, इसीलिए लड़ाई सरकार से डायरेक्ट चल रही है, सारे यूनियंस लीडर्स उनके खिलाफ लगे हुए हैं। एनएमओपीएस के जो नेता विजय बंधु जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मंजीत सिंह पटेल 17 नवंबर को दिल्ली चलो पेंशन शंखनाद रैली चला रहे हैं, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में कई जिला में सारे जिला में जाके पेंशन शंखनाद रैली के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, दिल्ली चलने की बात बोल रहे हैं। अब उनका यही कहना है मंजीत सिंह पटेल का कि जब आप दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे तो घर वापस आते आते आपका ओपीएस लागू हो जाएगी, यहां तक बोल दिया, सोचिए, यानी उनको कॉन्फिडेंस है ओपीएस आज नहीं तो कल भारत सरकार लागू करेगी। यूपीएस को भी ओपीएस बनाया जा सकता, मंजीत सिंह पटेल ने 2-3 पॉइंट तो बताए हैं, आपको पता होगा मेरे वीडियो में भी हम बता चुके हैं पहले। इसी तरह से शिव गोपाल मिश्रा एक सभा कर रहे थे, वहां पर भी नारे लगने लगे उनके खिलाफ, यूपीएस की गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये सब चीजें हैं, उनको भी आइडिया हो चुका है कि जितने भी कर्मचारी है ओपीएस ही मांगेंगे, ओपीएस के खिलाफ ओपीएस के अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए शिव गोपाल मिश्रा भी उसी ट्रैक पर आ गए हैं और एम रघुवैया भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं।
इवन जितने भी संगठन हैं सारे ओपीएस का मांग कर रहे हैं, आपको पता होगा इस चीज को। रनिंग एलरसा का भी एक यूनियन से, सर ओपीएस मांग रहा, कोई नहीं है जो ओपीएस नहीं मांग रहा है। हाँ पहले जिस समय ये बात हुआ था वो बात अलग था, लेकिन अब बात अलग है। तो चीजें बदलती है और धीरे धीरे बदलती है, और ओपीएस ही चाहिए इन लोगों को, ये चीजें दिख रही धीरे धीरे, आप देखे होंगे। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं पेंशन के ऊपर, और जो न्यूज होता है ना, जो अंदर से न्यूज निकल कर आता है ना, वो न्यूज हम दिखाते हैं। तो अंदर की बात आपको बता रहे, ट्रेड यूनियंस का मांग तो सबका बहुत सारा चीज है, बहुत सारा मांग है। इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो रहा है, वहाँ पर भी स्टाफ की कमी है। वर्कशॉप बन रहे हैं वहाँ पर स्टाफ की कमी है। रिटायर हो रहे हैं उसके जगह पर स्टाफ नहीं आ रहा है, वहाँ भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आए दिन ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है, ये बात आपको पता होगा, स्टाफ की कमी से जूझ रहा रेलवे। तो सरकार को हर एक चीज़ सोचना पड़ेगा। आपको टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, मानसिक दबाव पड़ता सरकारी कर्मचारी के ऊपर, ये सब चीज़ का भी डिमांड कर रहा ट्रेड यूनियंस। तो छोटे छोटे चीज़ का भी डिमांड कर रहा, लेकिन जो टॉप मोस्ट डिमांड है वो है यूपीएस। यूपीएस को हटाओ, ओपीएस लाओ। यूपीएस को भी ओपीएस बना दो तब भी चलेगा, लेकिन कुछ संगठन है कि हूबहू ओपीएस कह रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ संगठन का कहना है कि हूबहू ओपीएस चाहिए, कुछ संगठन का कहना है कि यूपीएस को ही अगर दो तीन चीजें चेंज कर दिया जाए तो वो ओपीएस बन जाएगा। अल्टीमेटली सरकारी कर्मचारी को ओपीएस चाहिए, इतना मान के चलिए। इसीलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट, हर एक जगह पर आंदोलन चल रहा है, और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रोटेस्ट के तौर पर हम सहयोग कर रहे हैं कि हमें भी ओपीएस दिया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे पेंशनर्स हैं, सारे एनपीएस धारी हैं, 91 लाख एनपीएस धारी हैं, सारे लोग देखते होंगे मेरे वीडियो भी, तो उनका भी मानना है कि हमें ओपीएस मिलेगा, और उन्हीं के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं। ये जो वीडियो जब भी हम शूट करते हैं तो सिर्फ एक ही मुद्दा को लेकर चलते हैं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे अर्धसैनिक बलों को दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे पूरे सरकारी कर्मचारी को दिया जाए, किस संगठन ने क्या मांग रखा है, वो सारी चीजें हम दिखाते हैं। इसलिए खुलकर बताते हैं, शिव गोपाल मिश्रा क्या बोले, एम रघुवैया क्या बोले, मंजीत सिंह पटेल क्या बोले, बितेश खांडेकर महाराष्ट्र में क्या बोले, हरियाणा का चुनाव हुआ वहां पर भी देखे होंगे विजेंद्र धारीवाल क्या बोले, झारखंड का चुनाव चल रहा है वहां पर भी एनएमओपीएस के नेता क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो हम बात उठाते हैं सिर्फ ओपीएस की बात उठाते हैं, और इसीलिए वीडियो बनाते हैं, और आज नहीं तो कल सरकार को देना पड़ेगा, इसीलिए लगातार हम वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो के माध्यम से भी लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और ओपीएस की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं और हमें ओपीएस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, साथ में आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज उठाइए। कुछ नहीं कर सकते तो आवाज उठाइए, लड़िए, और लड़ने से ही अधिकार मिलता है, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलता, आपको पता होगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो इस संसार में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, कुछ करे तभी कुछ मिलता है, ये चीज को ध्यान रखिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आप संबल हैं तो ज्वाइन भी करिए। इसी तरह के वीडियो लगातार हम बनाते रहेंगे, और पेंशन से रिलेटेड जो भी न्यूज होगा सबसे पहले आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद।